हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 लाई हूँ। बच्चों, ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और ये 16 तारीख की वर्कशीट है आपकी, और इसकी हेडिंग है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है बच्चों, तो इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है बच्चों, आकार होता है छोटा 1 से 10 माइक्रोमीटर, और इसका आकार बड़ा होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, केंद्रकाय उपस्थित और केंद्रिका उपस्थित। ठीक है, इसमें केंद्रकाय उपस्थित होता है, इसमें केंद्रिका उपस्थित होता है। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित, विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। सिर्फ एक क्रोमोसोम और इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, और उदाहरण बैक्टीरिया, और इसका उदाहरण है पादप जंतु और कवक। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, इस सबसे पहले कोशिका की खोज किसने और कैसे की। ठीक है, कैसे की थी, देखो बच्चों इसका आंसर है, सबसे पहले कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कोशिका और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है बच्चों, ये लिखा, एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जीव बच्चों अनेक कोशिकाओं से मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं, जैसे कोशिकाएँ, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, और जैसे पादप जंतु और कवक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो ये आपकी वर्कशीट थी बच्चों, छोटी सी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।